मैं डिप्टी डायरेक्टर मार्केट कमेटी डेरा मोरा चमाली। सर मैं आप लोगों से एक अर्ज करना चाहता हूं कि ये कल से सोशल मीडिया पे प्याज का कोई एक इशू चल रहा है कि भाई फंड का है या कुछ है। सर इसके लिए मैं आप लोगों से अर्ज करूं कि जब ये प्याज जो है तकरीबन कोई 20-25 केजी के जो है 199 बैग्स थे, जिसको एसी साहब ने मुझे कहा कि आप इनको जो है ऑक्शन करवा के इनको बिकवा के जो है ना इनको हम ये नारे टू फूल रहे खराब हो रहे हैं, इससे हम मिल्क वगैरह और राशन वगैरह लेके हम बच्चों में तकसीम कर देंगे, जो फ्लड के जो सैलाब जदगान है उनके लिए प्याज खराब हो रहा था ताकि इनको जब मिल्क या राशन करके हम उनको दे देंगे। तो उसके बाद जो मेरे एसी साहब ने कहा तो मैं उनको जारे मेरे पास वसा नहीं थे, मैंने अयाज गुजर जो हमारे मार्केट कमेटी में यहाँ एक कमीशन एजेंट है, इसको कमीशन एजेंट है, मैंने इससे कहा कि आप जाएं वहां से ले लें ताकि वो एसी साहब जो है वो उनको इनको रिप्लेस करके वो सैलाब जदगान के लिए राशन है या कोई मिल्क वगैरह है वो इस तरह कर दें। बाकी इसमें जो है वो कल से हमारे जो सोशल मीडिया पे हमारे चेयरमैन साहब मार्केट कमेटी मीर आसिफ मोहम्मद आसिफ लेडी साहब हैं, उनके बारे में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, उनके मुखालिफिन है जो भी हैं ये, क्योंकि उनका पॉलिटिकल लोग हैं उनका नाम इस्तेमाल हो रहा है और मीर साहब हैं बड़े उनका है, तो उनको तो बिल्कुल इलम भी नहीं है, क्योंकि इसी साहब ने जब मुझे कहा तो फिर मैंने खुद नहीं उठाया, मैंने इसको अयाज गुजर को कहा कि आप करके फिर ताकि इसी साहब अपने जो है फर्दर इसको आगे जाके जो है नारेटर फूड से जो है मिल्क या राशन करके उसको जो है ना वो कर देंगे। बस ये इशू इतना बड़ा इशू नहीं है जितना इन्होंने बनाया, वही जो है वो इसी साहब ने जो दिया है उनको रिफंड किया गया ताकि वो उनके लिए आगे वो कर देंगे उनके हुक्म के मुताबिक। कल से परसों से ये मीडिया में शोशा चल रहा है कि अयाज गुजर ने जो है जो प्याज फरोख्त किए है वो जो है फंड किए हैं, मैंने कोई ऐसे बगैर किसी परमिशन के नहीं उठाई, और हम जो है अपना कमीशन एजेंट है, हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ईरान वाला माल भी आ रहा है, अफगानिस्तान वाला माल भी आया, टमाटर प्याज का तो मुआहदा किया हुआ है वो आ रहा है हम बेच रहे हैं, लेकिन हम हमारा काम है माल जो आता है हमारे पास बेचते हैं, और मैंने किसी बगैर परमिशन के नहीं उठवा के बेचा। वहाँ पर मुझे अपना उबैदला साहब ने बताया कि भाई अपना जो है ना प्याज पड़े हुए हैं वो ख़राब हो रहे हैं, इनका जो है मिल्क वगैरह एसी साहब के आर्डर पर ये उठवा के बेच दें आप, इनकी जगह जो है हम राशन ले आएंगे, मिल्क हो गया, आटा हो गया, कुछ चावल घी हो गया, वो इसमें जो है तब्दील करके हम जो है ना गरीबों में तकसीम कर देंगे। मैंने उसी के कहने पे ये उठवा के मैंने अपने मजदूर भेजे उधर, फिर वो लेके आए यहाँ पे, और हम तो मंडी वाले हैं, हमारा तो काम बेचना है, जो भी माल होता है उसको फरोख्त करना होता है, और फिर मैंने वो बेचे हैं। बाकी जो हमारे अपना मार्केट कमेटी के जो चेयरमैन हैं मीर आसिफ अली लहड़ी साहब, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि भाई उन्होंने उठवाए हैं, उन्होंने बेचे, हालांकि उसको इस बात का कोई इल्म नहीं, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थे। उन्होंने मीटिंग बुलवाई, उन्होंने हालांकि हमें भी बुलवाया, फिर उसने मुझसे हाल वाल किया कि भाई ये क्या मसला है, मैंने कहा सर ये मसला ये है कि ये जैसे मुझे कहा गया आप ही की मंडी में जो बैठे हैं ऑफिसर उन्हीं के कहने पे मैंने उठवा के उन्हें मैंने फरोख्त किए हैं, और हम कमीशन एजेंट हैं, जो माल आता है हमारे पास वो हम फरोख्त करते हैं, इसमें हमारा कोई ऐसी कोई बात नहीं है, चेयरमैन का इसमें कोई हाथ नहीं है। कल जो पोस्ट चली थी हमारे कमीशन अयाज गुजर के ऊपर कि भाई ये फंड का माल बेच रहे हैं और ये आरती ऐसे ऐसे हैं, मसला ये है कि मंडी में ये माल हमारा काबुल से भी आता है, ईरान से भी आता है, और हम आरती हैं, हम कमीशन लामाला जो भी माल आएगा हम बेचेंगे, लेकिन जो अयाज गुजर ने कल माल उठाया था वो जो भी एसी साहब ने बोला हुआ था या उबिल्ला साहब ने बोला हुआ था उसने वो काम किया हुआ है, और ना ऐसे उसको पता नहीं था कि फंड है या क्या, जो भी चीज़ उसने बेचा अलामला उसका काम है बेचना, बकाया उसने जो उसको बोला था कि जो रकम बनेगी वो गरीब में कोई सामान लेके या कोई वो उनको दे दें गरीब में, मसला ये बकाया जो हमारे चेयरमैन का नाम लिया जा रहा है कि भाई जो भी काम के आसिफ लेडी खान का लेडी ने किया हुआ है, लेकिन चेयरमैन का इसमें कोई भी हाथ नहीं है, ना किसी दफ्तर वालों का है, हम जो भी हैं जो भी वरना कर रहे हैं वो उनके मुखालफिन हैं, हम उसकी तदीद करते हैं, बकाया जो इलाकेदार हमारा चेयरमैन है बहुत अच्छा आदमी है और जो भी काम हमारे लिए कर रहा है वो बेहतरीन काम कर रहा है, इसको पॉलिटिशियन का नाम दिया जा रहा है, ऐसे ही है, हम इसकी तदीद करते हैं, हमारा चेयरमैन या कोई बाकी जो हमें नहीं है, अच्छा जो भी तरदीद की हुई है अयाज गुजर ने भी आप लोगों को बताया और डिप्टी डायरेक्टर ने भी बताया, बकाया ये जो आपने बताया इस लोगों ने बताया हुआ है वो बिल्कुल सही है इस बात। अच्छा जैसे कि उबैदला साहब ने कहा कि भेजा, उसका भी कोई वो ऐसा इशू नहीं है, उसने कहा कि ये बिकवाने हैं, इसकी जगह कोई राशन लेना है मिल्क वगैरह ये ख़राब हो जाएंगे, ये लोगों तक सही नहीं पहुंचेंगे, उसका भी यही था कि भाई हम इसका राशन लेंगे, राशन लेके उनके जो आगे जो वो सैलाब जदगान में तकसीम कर देंगे।